शुक्रवार को देश की सबसे प्रतिष्ठित माने जाने वाली संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की परीक्षा के नतीजे घोषित कर दिए गए। यूपीएससी की परीक्षा में इस बार कनिष्क कटारिया ने टॉप किया है। जयपुर के रहने वाले कनिष्क ने आईआईटी बॉम्बे से ग्रेजुएशन किया है, जिन्होंने अपनी पहली ही कोशिश में यूपीएससी एग्जाम में न सिर्फ सफलता हासिल की बल्कि सबको पीछे छोड़ते हुए अव्वल रहे। हालांकि खुद कनिष्क को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि वो रैंकिंग में पहले पायदान पर होंगे। कनिष्क ने बताया कि उनके घर वालों और करीबियों के सपोर्ट की वजह से ही वो ऐसा करने में सफल हो पाए। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि फर्स्ट रैंक आ पाएगी एंड पूरा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को, मेरी फैमिली को, सबको देना चाहूंगा जिन्होंने मेरी मदद करी है। जैसे फिक्स टारगेट तो नहीं है, जब मैं फ्री रहता था, जब इतना एग्जाम पास में नहीं थे तो मैं 8 आवर्स तो मैं कोशिश करता था मैं पढ़ लूँ एंड न्यूज़पेपर वगैरह सब इंक्लूड करके, पर जब एग्जाम पास में आए थे तब मेरे को थोड़ा स्टडी इंक्रीज करना पड़ा था। सबसे बड़ा सपोर्ट किसकी तरफ से मिला आपको? जी, 4 लोग हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा श्रेय देना चाहूँगा। मेरे पेरेंट्स, माय फादर, माय मदर, माय सिस्टर जिन्होंने करा है, एंड माय गर्लफ्रेंड सोनल इज इन जापान, तो वो काफ़ी हम दूर रहे हैं तो उसने काफ़ी मॉरल सपोर्ट दिया है मुझे। यूपीएससी की परीक्षा में अक्षत जैन ने दूसरा स्थान हासिल किया। अक्षत ने पहले आईआईटी गुवाहाटी से डिजाइनिंग में ग्रेजुएशन की डिग्री ली और सिविल सर्विसेज की तैयारी में जुट गए। हालांकि अपनी पहली कोशिश में अक्षत सिर्फ 2 नंबर से पिछड़ गए थे, लेकिन उन्होंने दोबारा नए सिरे से पढ़ाई शुरू की और इस बार दूसरा स्थान हासिल किया। अक्षत का कहना है कि पढ़ाई के दौरान उन्होंने तनाव नहीं लिया। पढ़ाई तो काफ़ी घंटे ऑब्वियसली इसमें देने पड़ते हैं, बट ऐसा भी नहीं है कि एकदम मशीन की तरह आप लगे रहते हैं। बीच बीच में आप अपने दोस्तों के साथ भी बातें करते हैं, अपने हॉबीज़ परस्यू करते हैं, तो वो सब रहता था। और रही बात नोट्स वोट्स की, तो हाँ, मेरा ये है, मेरा पर्सनली हमेशा नोट्स में रहा है, तो मैं जो भी किताब पढ़ता था, मैं कम किताबें पढ़ता था। मेरा ये था कि बेसिक बुक्स पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, उनके नोट्स ज़रूर बनाता था और उनको फिर रिवाइज़ बहुत ज़्यादा करता था और टेस्ट प्रैक्टिस बहुत करता था। सिविल सर्विसेज में तीसरे स्थान पर रहे जुनैद अहमद। IRS की ट्रेनिंग ले रहे जुनैद अहमद ने देश भर में 3rd रैंक हासिल की। उत्तर प्रदेश के बिजनौर के रहने वाले जुनैद ने 5वीं कोशिश में ये मुकाम हासिल किया। मेरे लिए बेसिक बुक्स थी स्टार्टिंग में, तो जैसे लोगों ने बताया, सीनियर्स ने बताया, वो आपको एक बेस बनाने में हेल्प करती हैं। उसके बाद इंटरनेट आपको बहुत हेल्प करता है, क्योंकि आज के टाइम पे हर चीज़ आपको ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, चाहे वो आर्टिकल्स हो, टेस्ट सीरीज़ हो, तो आप प्रोडक्टिव यूज़ इंटरनेट का कैसे करते हो, वो इस प्रिपरेशन में मुझे बहुत हेल्प किया उस चीज़ ने, चाहे वो आंसर राइटिंग हो, चाहे ओपिनियन फॉर्मेशन हो, चाहे किसी इशू को समझना हो, वो सब काफ़ी इंटरनेट के थ्रू मुझे हेल्प हुई। UPSC फाइनल परीक्षा में महिलाओं में भोपाल की सृष्टि जयंत देशमुख ने टॉप किया। परिणाम घोषित होने के बाद सृष्टि जयंत देशमुख ने कहा कि ये उनका बचपन का सपना था। इस बार सिविल सर्विस एग्जाम में जिन 25 लोगों ने टॉप किया उनमें 15 पुरुष हैं, जबकि 10 महिलाएं शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।